इंडियन सिनेमा की आने वाली 10 बड़ी फिल्में जिसको देखने के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। नंबर 10 पर आते हैं पुष्पा 2, जिसमें आपको रीरोल में देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदन और कई सारे बड़े बड़े एक्टर। नंबर 9 पर आते हैं प्रोजेक्ट, और इस मूवी के कास्ट में प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे। नंबर 8 पर आते हैं जवान, जिसके रीरोल के तौर पर एसआर के नयनतारा, विजय सेतुपति और थलापति विजय देखने को मिलेंगे। नंबर 7 पर आते हैं पियाज बॉन्ड, जिसमें आपको कई सारे बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि विक्रम कार्ती, जयम रवि और राजवेरिया। नंबर 6 पर आते हैं शाला, जिसके रीरोल में आपको देखने को मिलेंगे प्रभास, श्रुति हसनन और जगपति बाबू को। नंबर 5 पर आते हैं दशहरा, जिसमें आपको रीरोल के तौर पर नानी और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर आते हैं आदिपुरुष, जिसमें आपको प्रभास राम के अवतार में, कीर्ति सुरेश सीता माता के अवतार में और सफाली खान रावण के अवतार में देखने को मिलेंगे। नंबर 3 पर आते हैं थलापति 67, और ये मूवी एक गैंगस्टर मूवी होने वाली है, और इस मूवी के कास्ट में विजय थलापति और सूर्या सर भी देखने को मिलेंगे। ऊपर आते हैं क्रिश 4, और ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी होने वाली है, इसमें आपको ऋतिक रोशन क्रिश के अवतार में और विलेन के अवतार में नामजुद्दीन देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर आते हैं केजीएफ चैप्टर 3, और इस मूवी का इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं, और एक न्यूज के अनुसार केजीएफ 3 में ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाला है। इनमें से आपका फेवरेट मूवी कौन सा होने वाला है, जोर से कमेंट करके बताना।